राजधानी में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बुराड़ी का है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये चोरी की वारदात राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के नेहरू गली मेन मार्केट की है, जहां चोरों ने एक ही रात में मार्केट में दो दुकानों को अपना निशाना बनाया और दोनों दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। ये इन चोरों की तस्वीर है, आप भी गौर से देखिए। मैं 16 से 18 साल के तीन लड़के कितने बेखौफ तरीके से मेन मार्केट में बनी हुई इस मदर डेयरी की दुकान का शटर तोड़ देते हैं और इसके बाद इनमें से एक लड़का अंदर जाकर गल्ले में रखे सारे पैसों पर हाथ साफ कर लेता है। इस दौरान दो लड़के बाहर खड़े होकर पहरा देते हैं। इसके बाद इसी मार्केट की एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर भी इन चोरों ने धावा बोला और शटर तोड़कर सारा सामान और गल्ले में रखे रुपए चुरा ले गए। मामला है, सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं, क्या है पूरा? कल सर 2:30 बजे के आसपास तीन लड़के थे जी, और इन्होंने हमारे यहाँ पे दुकान पर ताला तोड़ा है और गल्ले में से सारे पैसे निकाल के वो लेके चले गए। साथ में एक दुकान वगैरह ब्यूटी पार्लर की, उसमें से भी वो पैसे और सामान वगैरह लेके गए। पिछले दो तीन दिनों से ये वारदातें इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हो रही है। सीसीटीवी में भी कैद हुआ है, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? वो तीन लड़के हैं जिनकी उम्र 15 से 16 साल के आसपास है। बुराड़ी इलाके की सबसे व्यस्त कही जाने वाली संत नगर की नेहरू गली मेन मार्केट में है। यहाँ की दुकानें अब तक लोगों को सुरक्षित लगती थी क्योंकि पूरी रात यहाँ लोगों की आवाजाही रहती थी, क्योंकि यह गली पुराने मेन रोड को जोड़ने वाली है जो कई कॉलोनियों को जाती है। लेकिन जब से लोगों को इस गली में दुकान में हुई चोरी के बारे में मालूम पड़ा, यहाँ की हर दुकानदार दहशत में है। हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगने के बावजूद चलती फिरती सड़क पर भी अगर चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो अब लोग खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। बुराड़ी थाना पुलिस ने दोनों दुकानों में हुई चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और जल्द से जल्द इन चोरों की पहचान कर मामले का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से लोग अब डरे हुए और सहमे हुए हैं। अवधेश कुमार के संग दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।